अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहीन और आप देख रहे हैं फरहीन कुकिंग फॉर यू यूट्यूब चैनल। आज हमारे किचन में बन रहे हैं नमक पारे, तो चलिए देखते हैं ये नमक पारे कैसे बनाए जाते हैं और इसे बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा। लेंगे हम 300 ग्राम, नमक लिया है मैंने हाफ टेबल स्पून, अजवाइन लिया है मैंने 1 टेबल स्पून और इसे बनाने के लिए हमें चाहिए कुकिंग ऑयल। तो सबसे पहले हम इस परात में मैदा डालेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक मैंने हाफ टेबल स्पून लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और इसमें ऐड करेंगे अजवाइन और अब इसमें ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल और इन सभी चीज़ों को हम अपने हाथों से मिक्स करेंगे। नमक पारे के डो में हम इसलिए ऑयल मिलाते हैं ताकि इसमें क्रंच आए और ये क्रिस्पी बने, तो इसीलिए इस डो में ऑयल की क्वांटिटी जो है वो सही होनी चाहिए। तो देखिए इस तरह से हमें इसे दोनों हाथों से मिक्स करना है। तो देखिए ये ऑयल जो है वो अब मैदे में अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अगर इस तरह से आपकी मुट्ठी बनती हो आटे में तो आप समझ लीजिए कि आपने जो इसमें ऑयल की क्वांटिटी रखी है वो बराबर रखी है। तो अब ये जो ऑयल है वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसका एक टाइट सा डो गून लेंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो डो है हमें नॉर्मल आटे की तरह नहीं गूनना है बल्कि इसे थोड़ा टाइट रखना है। अगर ये डो जो है वो थोड़ा हार्ड होगा तभी आपके जो नमक पारे हैं वो क्रिस्पी बनेंगे। तो इस तरह से मसलते हुए हमें इसका टाइट डो रखना है। तो देखिए अब ये डो रेडी है, तो अब हम इसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो इस तरह से इसके सारे पेड़े बनाते हुए रखते जाएंगे साइड में। अब हम इस पर ऑयल लगाएंगे और इसे बेल लेंगे। इसे हम नॉर्मल रोटी की तरह ही बेलेंगे, इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है, बस थोड़ा सा मोटा इसे रखना है हमें। तो देखिए इस साइज़ की हमें इसकी रोटी बेलनी है और फिर हम इसे आधा आधा इंच का गैप देकर इस तरह से काट लेंगे। तो देखिए मैंने इसे काट लिया है, अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी और फिर हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो अब हम इसे ऑयल में डाल देते हैं फ्राई होने के लिए। तो बस इसी तरह से हमें इसे ऑयल में डालते जाना है। आप डरिए मत, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे, ये तेल में जाते ही बड़ी आसानी से अलग हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कितनी आसानी से अलग हो रहे हैं। तो बस इसी तरह से हमें इसमें चम्मच चलाते हुए इसे फ्राई करना है ताकि इसमें हर तरफ से एक जैसा कलर आ सके। तो देखिए इसमें हल्का सा गोल्डन कलर आ चुका है, तो अब हम इसे कुछ देर और फ्राई करेंगे ताकि इसकी क्रंचनेस बढ़ जाए और ये क्रिस्पी हो जाए। तो क्रिस्पी से हमारे नमक पारे रेडी हैं, तो मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ। तो सुना ना आपने ये कितने क्रंची बने। तो अब मैं आपको इसकी दूसरी शेप बताती हूँ, काफी लोग इसे भी पसंद करते हैं। तो देखिए मैंने इसे बेल लिया है, तो अब हम इसे काट लेते हैं। अब हमें इसकी साइज जो है वो बड़ी रखनी है, तो देखिए इस तरह से हमें इसे काट लेना है। इस तरह से छोटी छोटी शेप इसकी हमें काटनी है।
और अब हम इसको भी प्लेट में निकाल लेते हैं और फिर इसे भी फ्राई कर लेंगे। इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स कर बताएं कि आपको ये नमक पारे की रेसिपी कैसी लगी है। तो देखिए, ये नमक पारे भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम इसे भी एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो माशाल्लाह, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची ये नमक पारे बनकर रेडी हो चुके हैं। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए फरहीन को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।